अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन, और सबके दस्तखानों को वसी रखे। आज मैं आपको स्ट्रॉबेरी का बाज़ार की तरह प्रिजर्व करने का तरीका बताऊंगी। पहले मैंने स्ट्रॉबेरी 1 किलो पानी में अच्छी तरह भिगो दी ताकि उसकी मिट्टी वगैरह जो भी है, इसके पत्ते वगैरह सब साफ़ हो जाएँ। इसको 2 पानी से साफ़ करके फिर इसको एक बॉक्स के अंदर लेयर बाय लेयर लगाकर ऊपर से आप चीनी इस पर लगाते जाएं। जितनी लेयर होगी उतनी ही लेयर में आप चीनी डालते जाएं। इसको ये बिल्कुल बाज़ार की तरह प्रिजर्व हो जाएगी। तकरीबन 1 साल तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं बिला झिझक। बॉक्स में मैंने स्ट्रॉबेरी लगा दी, उसके बाद मैं चीनी की लेयर लगा रही हूँ, फिर दोबारा स्ट्रॉबेरी लगा कर दोबारा चीनी की लेयर लगाऊंगी। इस तरह जितनी ही मरतबा मैं लेयर लगाऊंगी उतनी ही मरतबा मैं चीनी की लेयर भी लगाऊंगी साथ ही, और इस तरह से मैं इसको प्रिजर्व कर दूंगी। इसका जो सिरप शुगर का निकलेगा वो बहुत ही टेस्टी होता है, मज़े का होता है। ये तकरीबन आप इसको प्रिजर्व करके 1 साल तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जूस में वैसे खाने में भी इतनी ज़बरदस्त लगती है ये, चिल बिल्कुल ठंडी करके आप बना लें। आइसक्रीम इसकी बनाएंगे इतनी ज़बरदस्त बनेगी। अब मैंने तमाम स्ट्रॉबेरीज को बॉक्स में डाल दिया। अब मैं इसको फ्रीज़र में रखने जा रही हूँ और उसके बाद फिर आप इसको इस्तेमाल करें। जैसे ही चाहें इसे इस्तेमाल करें, इसका सिरप निकल जाएगा तो बहुत ही मज़े का लगेगा ये सिरप इसका। ये बॉक्स मैंने स्ट्रॉबेरी का जो ओवरनाइट रखा था अब निकाल लिया फ्रीज़र से। अब देखें उसके बाद इसका ये रिज़ल्ट है। ये देखें चीनी मेल्ट हो गई है और सिरप इसका देखें नज़र आ रहा है। ये आधी थोड़ी शुगर रह गई, बाकी सिरप इसका निकल गया है। वीडियो मेरी पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो कतई नहीं भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।